जय श्री राम सभी लोगों को। तो आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो फिर से होने वाला है एक अपने राइडर बाबा 2.0 का मॉडिफिकेशन। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करूंगा, आप लोगों का टाइम मैं नहीं लूंगा, तो चलिए चलते हैं सीधी बात, नो बकवास। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो आज मैं अपने राइडर बाबा 2.0 टीवीएस राइडर 125 सीसी के बाइक के लिए मैं डिस्क कवर, जिसको बोलते हैं व्हील कवर भी, वो लेके आया हूं मैं ऑनलाइन। और मैं कहां से लाया हूं, कैसे लाया हूं, कितने रुपए का लाया हूं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कौन सा लाया हूं। तो ये है अपना फ्लिपकार्ट से मंगाया हूं मैं, इसको खोल के आप लोगों को दिखाता हूं कि ये कैसा है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑलरेडी खोल के बाद चेक कर चुका था, क्योंकि चेक करना जरूरी है। तो ये हो गया इसका प्लास्टिक बाहर, और अब हम इसको निकालते हैं यहाँ से। तो ये आप लोग देखिए कुछ जुगाड़, हम अकेले हैं तो अकेले निकालेंगे। ये रहा अपना जो कि डिस्क कवर है, और इसके साथ हमें यहाँ पे बोल्ट, एलन की और टाई मिला है। तो ये कुछ प्रोडक्ट है अपना, तो इसको मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगा कि कितने का है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अभी इसको चलिए मैं सबसे पहले चल के लगवाता हूँ अपने बाइक में, राइडर बाबा 2.0 में, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगा है और क्या क्या मतलब, तो इसका सब कुछ मैं चेक करूंगा। तो सबसे पहले चल कर हम इसको लगवा लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको चलता हूँ, लगवाता हूँ अपने राइडर बाबा में, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा लगने के बाद लगता है। तो पहले मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि अपना देखिए व्हील कवर नहीं लगा और कैसा दिख रहा है, आगे और पीछे मैं दिखा देता हूँ। और ये अपना व्हील कवर जो कि लगेगा यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा है, आप लोग देखिए। तो पहले आप लोग देख लीजिए सामने से कि बिना व्हील कवर का, बिना डिस्क कवर का गाड़ी कैसी दिख रही है, और व्हील कवर लगने बाद मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, और मैं इसका टेस्टिंग भी करूंगा कि स्पीड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। स्पीड में भी लेके चलूंगा मैं करीब 70-80 तक, मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो आप लोग ये चेक करिए बिना व्हील कवर का अपना बाइक जो है कैसा लग रहा है, मैं चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ। और अभी मैं व्हील कवर इंस्टॉल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अभी कुछ सामने से ऐसा सीन दिख रहा है, और ये कुछ यहाँ पे लगेगा तो काफ़ी अच्छा खासा माल दिखेगा एकदम, देख रहे हैं आप लोग। तो पहले पीछे का फिट हो जाए ये नहीं आपको दिखाऊंगा मैं, आगे का फिटिंग हुआ तो मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा कैसे फिट हो रहा है। तो फिट होने के बाद मैं फिर से आपको पूरा दिखाऊंगा आप कैसा प्रोफाइल है इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग करवाते हैं, लेके आया हूँ मैं, अकेले भी कर सकता था लेकिन क्या है फोन अकेला है तो ब्लॉग कौन बनाएगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ अपना दोस्त है। तो चलिए फिटिंग कराते हैं हम इसको। तो अभी अपने पीछे का जो लग चुका है और मैं आगे लगवाने जा रहा हूँ, और आगे लगवाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगा। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम दोनों साइड का जो है सेटअप देख लेंगे करके, और उसके पहले आप लोग अपना रिम जो है साफ कर लीजिएगा, क्योंकि पैक रहेगा तो बार बार धोने में तकलीफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लगा के चेक करेंगे इसको, और इसको पहले बैठा लेंगे हम सिस्टम से, तो इसको हम सही कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 1-2-3 बोल्ट का जगह है, तो अपना जो बोल्ट मिला है ना दोनों साइड वाशर लगा के और बोल्ट यहाँ पे मार देंगे हम। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हवा भरने वाली जगह पे बैठाएंगे इसको, उसके पहले हम दोनों साइड का लगा के उसको रेंडमली जो है पैक कर लेंगे बोल्ट के साथ। तो ये होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ फिटिंग करते हुए, और पूरा अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, ये लगने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा पूरा कि मतलब फिट होने के बाद कैसा अपना बाइक जो राइडर बाबा 2.0 लग रहा है। तो ये कुछ इसका बोल्ट जो है ना इतना लंबा बाहर दिख रहा था, आप चाहें तो इसको कटवा सकते हैं जाके वेल्डर के यहाँ पे, तो कटवाने के बाद आपको अच्छा खासा दिखेगा। 1-2-3 बोल्ट है यहाँ पे, तीनों बोल्ट का फिटिंग हो चुका है, और यहाँ पे जो है 3 टाई होगा और एक मैं एक्स्ट्रा घर पे जाके मार लूँगा। तो अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए सबसे पहले हम इसको फिटिंग करवाते हैं, उसके बाद मैं आपसे चल के बात करता हूँ, और सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, स्पीड में भी दिखाऊंगा, जो मैं बोला हूँ वो सब कुछ दिखाऊंगा, और कैसे कितने का है ये भी दिखाऊंगा। तो चलिए इसको फिटिंग कराते हैं, हम आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर से बहुत दूर, और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। हमारे साथ हैं पल्सर वाले भैया, जो आज के हमारे कुछ टाइम के लिए अभी कैमरा मैन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं राइडर बाबा 2.0 हमारे सामने लग चुके हैं रेडी होके, जिसमें मैं व्हील कवर लगवा चुका हूँ। सबसे पहले मैं इसका इग्निशन बंद कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सिनेमेटिक में दिखा दूं कि लगने के बाद व्हील कवर कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले आप सिनेमेटिक देखिए इसका।
तो आप लोगों ने सिनेमेटिक देख लिया, ये व्हील कवर लगाने के बाद एकदम माल दिख रहे हैं, ठीक, बोलो तो एकदम रैपचिक और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी तो रील बनाने में और मज़ा आया क्योंकि बल्की लुक दिख रहा है पूरा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे मैं ऑर्डर किया हूँ। तो ये मैं फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हूँ और ये मुझे ऑफ़र में 400 का पड़ा था, वैसे 500 के आसपास मिल जाएगा। तो इस वीडियो को मैं जब अपलोड करूँगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा, वहाँ पर लिंक इसका डाल दूँगा। अगर वहाँ से आप लोग ख़रीदेंगे लॉगिन करके तो आपको जो मैं लगाया हूँ वही मिलेगा आपको, तो जो मैं लगाया हूँ वही मिलेगा आपको, क्योंकि मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ बदल गई है। तो उस लिंक से ही आप लोग खरीदिएगा, उस लिंक से आपको मेरा वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा जो मैं लगाया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एफिलिएट है, थोड़ा सा मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों उस लिंक से लिए तो, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। बट वहाँ से मैं अपना सामान आपको दिखाऊंगा जो मैं लगाया हूँ उसको। तो ये मैं आपको बता दिया फ्लिपकार्ट से लिया हूँ मैं, और आपको एक्यूरेट चीज़ चाहिए जो मैं लगाया हूँ तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और अपने राइडर बाबा काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, मेरे साथ भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे काफ़ी बल्की लुक है। और व्हील कवर लगने के बाद तो आप भी देखेंगे अपनी गाड़ी को कि कैसा लग रहा है, एकदम मतलब बोले तो पूरा ही लोडेड जिसको बोलते हैं। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए आप लोग क्या माल लग रहा है पूरा, ये देखिए लोड होने के बाद। और रेड कलर एलॉय के साथ तो ब्लैक एकदम मैच कर रहा है, ये देखिए आप लोग काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप लोग देखिए, आप लोग भी लगवाइए ऐसा अगर लगा सकते हैं तो। अब मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊँगा कि तेज़ चलाने में क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। तो अभी मैं चलता हूँ इसका जो है हैवी टेस्ट करने, मैं करीब 60-70 के आसपास अभी चलूँगा और देखूँगा कि मुझे चलने में कोई तकलीफ़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को वो भी पता चलेगा। और यहाँ पे नॉइस आएगा क्योंकि मैं रेलवे ट्रैक के बाजू में हूँ, तो अभी मैं यहाँ से इसको ले कर चलूँगा काफ़ी तेज़ में, मतलब काफ़ी तेज़ में नहीं जाऊँगा, लिमिट में रहेगा। तो आप लोग को बता सकता हूँ कि स्पीड में कैसा ये दे रहा है परफॉर्मेंस। और हाँ, फिटिंग के टाइम में टेंशन मत लीजिएगा, इसमें बोल्ट है सब कुछ, आपको अच्छे से फिट कर लेंगे, खुद भी फिट करिए या फिर आप बाहर मैकेनिक से भी करा सकते हैं, आराम से जाएगा, आपको व्हील खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा उसमें टाइट ढीला करना पड़ेगा, वो आप लोग लगवाते टाइम में समझ जाएंगे। तो चलिए मैं इसका अभी आपको स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में फाइनल बातें घर पर चल के करूँगा आपसे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए मैं इसका स्पीड टेस्ट करता हूँ। तो आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, व्हील कवर लगाने का मतलब और महत्व तो और कैसा लग रहा है, तो आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। आप लोग इसको लगवा सकते हैं और लिमिटेड स्पीड में चलिए, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अराउंड कुछ 50-60 भी चलेंगे ना तो आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा, आराम से लेके उसको चल सकते हैं लगा के। और लगने के बाद एकदम आपकी बाइक जो है बल्की दिखेगी। तो जैसे ये लगाए वैसे मैं फिर कुछ अगर अपडेट किया तो आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग भी चाहे तो अपने बाइक में लगा सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से चाहे तो आप उसको खरीद सकते हैं, एफिलिएट है, थोड़ा सा मुझे भी फ़ायदा होगा अगर आप लोग करेंगे तो। और एक्चुअल जो मैं लगाया हूं वही आपको मिलेगा। तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ, और अगर मॉडिफिकेशन रहा तो वो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मोटो ब्लॉगिंग रहेगा वो दिखाऊंगा मैं। अभी ये वीडियो हो गया आज का ख़त्म, और इसमें कुछ यही था जो मैं आपको दिखा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।